हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो आप सभी कैसे हैं? चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाड़ौती शैली की नेक्स्ट उप शैली है कोटा शैली। तो हेडिंग डालिए कोटा शैली। कोटा शैली, तो ये जो कोटा शैली है ये कहाँ पर स्थित है? कोटा शैली जो है कोटा जिले में बूंदी से लगभग 33 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये स्थित है। कोटा शैली कहाँ पर है? कोटा जिले में बूंदी से लगभग 35 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये स्थित है। कहां पर है? दक्षिण में। और यहीं पे हम बात करते हैं कि यहाँ के जो संस्थापक हैं कोटा शैली के, वो कौन है? वो है यहाँ पे माधो सिंह। संस्थापक कौन है? संस्थापक है माधो सिंह, और जो कोटा शैली है उसके राजपूत कौन है? वो हाड़ा राजपूत है। राजपूत कौन है? राजपूत है हाड़ा राजपूत। बात करते हैं कि माधो सिंह के पिता का नाम क्या है। माधो सिंह के पिता का नाम है राव रतन सिंह। पिता का नाम क्या है? राव रतन सिंह। और इनके बड़े भाई का नाम माधो सिंह के बड़े भाई का नाम है छत्रशाल सिंह। छत्रशाल सिंह। तो ये जो छत्रसाल सिंह है, इनके जो बड़े भाई हैं, इन्होंने अपने छोटे भाई माधो सिंह को शासक नियुक्त किया, जो कि जहांगीर के सहयोग से कोटा शैली के एक स्वतंत्र शासक बने। क्या बने ये? जहांगीर के सहयोग से बने थे ये स्वतंत्र शासक। कौन बने स्वतंत्र शासक? माधो सिंह। स्वतंत्र शासक बने। यहीं पर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ के शासक हैं राव छत्रसाल सिंह। पहले शासक हो गए माधो सिंह, दूसरे हैं राव छत्रसाल सिंह। तो जो छत्रसाल सिंह थे ये कला प्रेमी शासक थे। कैसे शासक थे ये? ये थे कला प्रेमी शासक छत्रसाल सिंह। और इनके समय के जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो है भगवत प्राण। ये है इनके समय का ग्रंथ। और बात करें इनके समय की प्रमुख चित्र के बारे में, तो वो है ढोला मारू का चित्र। इनके समय का ये प्रमुख चित्र है राव छत्रसाल सिंह के समय का प्रमुख चित्र क्या है? ढोला मारू। और इसी में भगवत प्राण जो है इनके समय का ये प्रमुख ये ग्रंथ है। अब बात करते हैं गुमान सिंह, नेक्स्ट जो शासक हैं वो हैं गुमान सिंह। इनके समय का प्रमुख चित्रकार हैं गुमान सिंह जो है इनके समय का जो प्रमुख चित्रकार है उसका नाम है डालू राम। तो डालू राम ने एक विशेष चित्र श्रृंखला बनाई। श्रृंखला का नाम क्या है? उस श्रृंखला का नाम है रागमाला चित्र श्रृंखला। इसी में नेक्स्ट शासक का नाम डालिए उम्मेद सिंह, जो कि हमने आपको पीछे बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था कि बूंदी शैली के भी शासक रहे हैं उम्मेद सिंह। तो जो उम्मेद सिंह है
उमेश सिंह को के समय को बूंदी शैली का भी स्वर्णकाल कहा गया है और कोटा शैली का भी स्वर्णकाल कहा गया है। उमेद सिंह, उमेद सिंह, तो इनके समय को, इनके समय को कोटा शैली का स्वर्णकाल कहा गया है, कोटा शैली का स्वर्ण काल कहा गया है, जो कि बूंदी शैली का भी स्वर्ण काल कहा गया है। इनके समय को इन्होंने, जो उमेश सिंह हैं, इन्होंने शिकार से संबंधित चित्र बनाए। किससे संबंधित? शिकार से संबंधित, शिकार से संबंधित चित्र बनाए, जिसमें राजा जो है मंत्रियों के साथ शिकार करते हुए चित्र है। राजा मंत्रियों के साथ शिकार करते हुए चित्र, मंत्रियों के साथ शिकार करते हुए चित्र, इनके समय का चित्र है। इसी में बात करेंगे हम नेक्स्ट शासक के बारे में। तो जो नेक्स्ट शासक हैं वो है राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। तो नेक्स्ट शासक डालिए राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कोटा शैली का विस्तार होता रहा। राम सिंह द्वितीय, इनके शासनकाल में कोटा शैली का विस्तार होता रहा, विस्तार होता रहा, और बाद में कंपनी शैली के आगमन से कोटा शैली का क्या हो गया? पतन हो गया। बाद में कंपनी शैली के आगमन से कोटा शैली का क्या हो गया? पतन हो गया। पतन मतलब कि वो पूरी तरह से खत्म हो गई, मतलब फिनिश, कोटा शैली का पतन हो गया। इसी में डाल लीजिए कोटा शैली के चित्रण विषय। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कोटा शैली के चित्रण विषय। कोटा शैली के चित्रण विषय, जिसमें आएंगे रागमाला, बारा मासा, इसी में दरबारी दृश्य, इसमें क्या आएगा? इसी में आएगा दरबारी दृश्य और नायिका भेद, नायिका भेद, कृष्ण लीला विषयक दृश्य, कृष्ण लीला से संबंधित या उनसे संबंधित, कृष्ण लीला विषयक मतलब उनसे संबंधित चित्र, कृष्ण लीला से विषयक दृश्य, कृष्ण लीला विषयक दृश्य। तो ये हो गए कोटा शैली से संबंधित चित्रण विषय। इसी में डालिए कोटा शैली के चित्र, कोटा शैली के चित्र। तो पहला चित्र है नायक द्वारा नायिका को छिपकर देखना, नायिका को छिपकर देखना। इसी में नेक्स्ट है अंगड़ाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। नेक्स्ट है दर्पण को देखती हुई नारी, दर्पण को देखती हुई नारी,
और पेड़ की टहनी को पकड़ती हुई नारी, पेड़ की टहनी को पकड़ती हुई नारी, और ढोला मारू विषयक चित्र, ढोला मारू विषयक चित्र, ढोला मारू विषयक चित्र। इसी में है भगवत प्राण से संबंधित चित्र भी इसमें है। क्या है? भगवत प्राण से संबंधित चित्र, भगवत प्राण से संबंधित चित्र, और नायक नायिका बैठे हुए हैं, जिसमें नायिका जो है रूठी हुई है और नायक उसको मना रहा है। नेक्स्ट है नायक नायिका बैठे हुए, नायक नायिका बैठे हुए जिसमें नायिका रूठी हुई है, नायिका रूठी हुई है और नायक उसको मनाते हुए, नायक उसको मनाते हुए। इसी में है कि राधा जो है वो बैठी हुई है, कृष्ण के आने का वो इंतजार कर रही है। क्या है इसमें? राधा बैठी है और उनसे मिलने को कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं। इसी में जो नेक्स्ट है वो कौन सा चित्र है कि राधा बैठी हुई है और कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। तो ये हो गए, ये तो थे कोटा शैली के चित्रण विषय, और जो अभी हमने आपको बताए हैं वो कोटा शैली के चित्र हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कोई पूछा जा सकता है कोटा शैली के चित्रण विषय क्या है, जिसमें राग माला है, 12 मासा है, 12 मासा का मतलब होता है 12 ऋतुओं के बारे में चित्रण, दरबारी दृश्य है, न्याय और इसी में नायिका भेद है, कृष्ण लीला विषयक दृश्य है इसमें। हाँ, तो ये सभी चित्र जो है ये कोटा शैली के चित्रण विषय है, और कोटा शैली के चित्र हमने आपको ये सभी बताए हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए कोटा शैली के चित्रकार। कोटा शैली के चित्रकार, तो पहले जो चित्रकार हैं वो हैं डालूराम। इसी में नेक्स्ट है रघुनाथ, डालूराम रघुनाथ और देवकी सॉरी नूर मोहम्मद। नेक्स्ट है नूर नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। इसी में है गोविंद राम, गोविंद राम। तो ये है कोटा शैली के चित्रकार, डालूराम रघुनाथ नूर मोहम्मद और गोविंद राम। तो इसमें हमने आपको डालूराम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं, डालूराम जो कि गुमान सिंह के समय के चित्रकार हैं, ये गुमान सिंह के दरबारी चित्रकार हैं, और इनके समय का जो चित्र है वो हमने आपको बताया था। कौन सा चित्र है? वो है रागमाला का श्रृंखला का चित्र। क्या बताया था हमने? रागमाला की श्रृंखला का चित्र इन्होंने बनाया है डालूराम ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए ये आपका कोटा शैली ये खत्म हुई आपकी। नेक्स्ट जो एक शैली बची है वो बची है आपकी झालावाड़ा। तो हम आपको नेक्स्ट जो बताएंगे वो आपको बताएंगे हम तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे झालावाड़ा शैली के बारे में। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।